दोस्तों, जिंदगी में दुख सुख का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। दुख के बाद सुख भी आता है, सुख के बाद दुख भी आता है। जैसे एक तरह से धूप छांव हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है। तभी तो कहते हैं, दुख आता है सुख देने के लिए मनमूरख, तू क्यों घबराता है। जब बड़ी जोर की गर्मी पड़ती है तभी तो बादल मेघ बरसाता है। इसलिए कहते हैं, गम आए जिंदगी में तो मुस्कुराता चल, या बुजदिलों की गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, रो कर जिंदगी बसर नहीं होती। एक तरह से ये दुख सुख ईश्वर के बनाए हुए हैं और ये पूरी सृष्टि रची, हमें बनाया। तो ये दुख सुख की कविता ईश्वर को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख की इस संसार की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। इस संसार की नदियों के ये दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, लेकिन सुख मिले उसी को पीछे जो दुख को सहारे है, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरी फरियाद करूं, जिस हाल में रखे मुझे मैं तुझको ही याद करूं। ये दोनों हाथ तेरे ही आगे पसारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। और आखिरी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है क्या तेरी रजा इसमें, देखूं मैं पकड़ कैसे, कैसे कहूं कि मेरे कर्मों के है फल कैसे, चक्कर ना देखूंगा कि मीठे हैं या खारे हैं, लेकिन दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद। ये पंक्तियां चंद्रशेखर शास्त्री जी की किताब में से ली गई है और मुझे बहुत पसंद है, और आप सबके लिए सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।